राजनीति में सफलता किन किन बातों पर निर्भर करती है? वैसे तो बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, लेकिन इस पे मैं खास बात करने वाला हूं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, काम चल जाएगा, शायद आप कहीं से पैसा इकट्ठा कर लेंगे, ऐसे लोग इकट्ठा कर लेंगे जो आप पर दाव खेल दें। आपके ज्यादा नॉलेज नहीं है तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नॉलेजेबल हैं, जिनके पास नॉलेज है उन्हें आप हायर कर लेंगे, उन्हें अपनी टीम में रख लेंगे, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल लोग मिल जाएंगे। आप ज्यादा मेहनती नहीं है तो भी आप अपनी टीम में बहुत सारे मेहनती लोग रख लेंगे। लेकिन एक चीज जो राजनीति में सफलता के लिए बहुत मायने रखती है, और वो है सफलता के लिए जिद होना। जी हाँ, जिद भी बनना पड़ेगा साहब। और कैसे जिद? ऐसे जिद के चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है, मेरे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, मेरी परिस्थितियां क्या हैं, कोई मुझे रोक रहा है, मेरी टीम का व्यक्ति रोक रहा है, मेरी पार्टी का व्यक्ति रोक रहा है, मेरे अपने रोक रहे हैं, मेरे विरोधी रोक रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरह की जिद होनी चाहिए। यदि इस तरह की जिद, इस तरह का एटीट्यूड आपने पैदा किया, मैं लिख कर दे सकता हूं, आप राजनीति में बड़े आयाम स्थापित करेंगे, आप बड़ी सफलता अर्जित करेंगे, और आपको कोई रोक नहीं पाएगा राजनीति में सफल होने से। लेकिन इस जिद का होना जरूरी है, और ये जिद हर एक में नहीं होती है। लोग जिद्दी होते हैं किन चीजों के लिए? अड़ियल होते हैं काम करने के तरीके को लेकर के, नहीं इसी तरीके से काम करना है। नहीं, आपकी जिद काम के तरीके पर मैटर नहीं करनी चाहिए, आपकी जिद काम के तरीके के लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी जिद होनी चाहिए सफलता के लिए। सफलता किसी भी कीमत पर, सफलता किसी भी रास्ते पर चलकर, सफलता किसी भी तरीके से। और जब जब आप सफलता के लिए जिद्दी होंगे तो आपके लिए रास्ते मायने नहीं रखेंगे। और जितने लोगों ने भी इतिहास रचा, जो लोग भी राजनीति में बड़ा कर पाए, बड़ा नाम कमा पाए, बड़ी पार्टी, बड़ा संगठन खड़ा कर पाए, जिन्होंने नीचे से उठ करके ऊपर तक पहुंचे हैं, उन सब के अंदर ये सफलता की जिद थी। वो अपनी टीम को लेकर जिद्दी नहीं थे, वो अपने रास्तों को लेकर जिद्दी नहीं थे, वो अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करने को तैयार थे, वो अपने हालातों के प्रति जिद्दी नहीं थे कि इन हालातों में रहकर के काम करूंगा, इन परिस्थितियों में नहीं करूंगा। जिद तो केवल एक थी, सफलता किसी भी कीमत पर। अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख, मछली की आंख, और कोई टारगेट नहीं साहब। रास्ता कौन सा है? मायने नहीं रखता। इस रास्ते से नहीं जाएंगे, इस रास्ते से चले जाएंगे। और जो मैं बार बार बोलता हूं, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो रास्ते मत बदलो, इरादे मत बदलो, तरीके बदलो। रास्ते बदल सकते हो, इरादे नहीं बदलने। आचार्य चाणक्य ने भी कहा कि एक मार्ग नहीं होगा तो दूसरा मार्ग मिलेगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा मार्ग मिलेगा। मार्ग मायने नहीं रखता, आपका लक्ष्य मायने रखता है। अपने लक्ष्य को निगाह में रखिए और लक्ष्य के लिए जिद्दी रहिए। रिजिडिटी होनी चाहिए अपने टारगेट के प्रति, टारगेट को नहीं बदलेंगे, सफलता चाहिए। और जब आपके अंदर ये आग लगी होगी, जिसको मैं बर्निंग डिजायर बोलता हूं, हाँ एक नॉर्मल आग होती है, मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो काम चल जाएगा, एक वो बिना मिले काम चलेगा नहीं, मुझे सांसद बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे मंत्री बनना है, मुझे इस पद पर जाना है, और बिना इस पद पर जाए काम चलेगा नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहे, कोई मेरे बारे में क्या बात करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पड़ोसियों का क्या कहना है, मेरे रिश्तेदार क्या कहते हैं, मेरी टीम के लोग क्या कहते हैं, मेरे अपने लोग क्या कहते हैं, मेरे पराए क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सफल होना है, और मुझे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस आग का लगा होना बहुत जरूरी है, इसी को बर्निंग डिजायर कहा गया है। और जिन लोगों के अंदर ये आग होती है ना, या तो ये आग लगती नहीं है साहब, लेकिन एक बार अगर ये आग लग जाए तो फिर ये बिना सफलता पाए बुझती भी नहीं है। इसलिए अपने अंदर ये आग पैदा करो, ये बर्निंग डिजायर पैदा करो। अब सवाल उठता है कि बर्निंग डिजायर ये आग कैसे पैदा होती है? ये पैदा होती है हमारे लक्ष्य से। अपना टारगेट कुछ ऐसा रखो जो थोड़ा सा मुश्किल हो, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, जो थोड़ा सा लगे कि कुछ अचीव किया जीवन में। ना ये क्या लोगों के मैं टारगेट देखता हूं, साहब 20 साल में पार्षद बन जाऊं बस में। अरे यार, पार्षद बनने के लिए तो 5 साल ही बहुत है। 20 साल में तो लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आप 20 साल में सिर्फ पार्षद ही बने रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, सुन रहे होंगे मुझे, विधायक हैं 15 वर्ष से, हैं बताते हैं मैं 20 वर्ष से विधायक हूं। और भाई 20 वर्ष से विधायक ही हो? और अगर आपको भी कोई मिले ना, कोई सांसद विधायक मिले जो बोले 20 साल से सांसद हूं, 20 साल से विधायक हूं, 15 साल से पार्षद हूं, उसको बोलना 15 साल 20 साल से सांसद विधायक हो, इसका मतलब राजनीति के शिकार हो भाई। एक बार सांसद बन गए ठीक है, फिर मंत्री क्यों नहीं बने, या फिर आगे क्यों नहीं बढ़े, फिर कोई बड़ा पद क्यों नहीं मिला, कोई और बड़ी अचीवमेंट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं थी, शायद उस पद पर पहुंच जाना ही आपका लक्ष्य था। और अगर आपका भी कोई ऐसा है, छोटा मोटा टारगेट है, तो फिर उसके लिए बर्निंग डिजायर की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ा अचीव करना है, कुछ ऐतिहासिक करना है, कुछ ऐसा जो आज तक ना किया गया हो, कुछ ऐसा जिसके बारे में आपके जाने के बाद भी बार बार बात की जाए, चर्चा की जाए, कुछ ऐसा जो ऐतिहासिक हो। यदि चाहते हो कल इतिहास में नाम दफन हो जाए तो वर्तमान में कुछ ऐतिहासिक काम करो। साधारण काम करने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता साहब,
सपना देख लिया इतिहास रचने का, सपना देख लिया बड़ा बनने का, सपना देख लिया इतिहास में नाम दर्ज कराने का, और एफर्ट छोटे हैं, टारगेट छोटे से नहीं साहब। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, टारगेट बड़े हैं, मंजिल बड़ी है, तो मेहनत भी उसी स्तर की करनी पड़ेगी। अगर इतिहास रचना है, इतिहास रचने का सोच लिया, तो फिर टारगेट को भी ऐसा चैलेंज रखिए कि लोगों के पसीने छूट जाए उस टारगेट के बारे में सुन करके। हैं, बोलना तो दूर की बात कि मैं ये बन जाऊं, आपको जब सुने बोलते हुए कि ये व्यक्ति ये बनना चाहता है, तो सामने वाले को एहसास होना चाहिए ये अलग मिट्टी का बना है। और कुछ लोग कहेंगे पागल है, कुछ लोग कहेंगे ये है, कुछ लोग कहेंगे वो है। आपके सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, आपके पास पूरी रणनीति होनी चाहिए। और जब आपके पास रणनीति होगी, तो यकीन मानिए ये सफलता के लिए श्योर शॉट फॉर्मूला होगा। रणनीति के साथ बात करिए और बताइए अपना टारगेट, छुपाने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अपना लक्ष्य बताएंगे ना बताएं, क्यों नहीं बताएं, बताइए। ये भी आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। लोग आपको कहेंगे, जब आप कहेंगे मैं सांसद बनना चाहता हूं, मैं विधायक बनना चाहता हूं, मैं मंत्री बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। उड़ाने दीजिए उसको, एनर्जी की तरह लीजिए उसको, पॉजिटिव की तरह लीजिए उसको, एक मोटिवेशन की तरह लीजिए। है, लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जब तक कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, समर्पित हैं, और पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरे डिवोशन के साथ इस आग को लगाइए अपने अंदर, जिद्दी बनिए सफलता के प्रति। जितने लोग भी सफल हुए, चाहे राजनीति में हुए या किसी फील्ड में हुए, उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति एक जिद पैदा करी और उस जिद के साथ उन्होंने सफलता पाई, उन्होंने वो लक्ष्य प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि वो जिद्दी थे, वो रुकने वाले नहीं थे। उन्हें मालूम था या तो हम सफल हो जाएंगे या हम मर जाएंगे, हमारे पास तीसरा विकल्प नहीं है। और जब आप विकल्पहीन बन जाते हैं, विकल्पहीन संकल्प ले लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको सफलता मिलती ही मिलती है। ऐसे लोग इतिहास रचते हैं, ऐसे लोग सफल होते हैं।